हेलो गाइस, तो आज की वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे पास बिल्ड किया हुआ था सिस्टम जो मैंने किया था बाद में। तो इसमें ना कुछ आरजीबी सेटअप नहीं लगा पाया, तो हमारे पास कुछ ऐसा फ़ैन आया है एमएसआई का जो अभी कुछ देर में साफ़ किया हूँ फ़ैन को, कुछ ऐसा है। तो इसको मैं इस आरजीबी लगाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या सेटअप आरजीबी बनता है फुल गेमिंग पीसी जो अभी बिल्ड किए हैं। तो अभी इसको क्रॉप कर रहा हूँ वीडियो को, तो अभी दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं। इसको पहले सिस्टम ऑफ कर लेता हूँ, और सिस्टम ऑफ करने के बाद फैन लगाना है, तो फैन का बैक ग्लास हटा के इसको यहाँ रख लेते हैं। और ये कुछ फैन है ऐसा, तो गाइस ब्यूटीफुली बड़ी हो जाएगी, तो क्रॉप कर सकता हूँ मैं इसके लिए, तो कुछ स्पीड कर दूंगा मैं। वीडियो देखो, ठीक है, फैन कैसे लगाते हैं वो जरा पास से दिखाते हैं आपको। ऐसा कुछ फैन लगेगा, फर्स्ट फैन लगा दिया हूँ, और दूसरा फैन ये रहा हमारे पास। अब आखिरी फैन, एक तीसरा फैन ही लगा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अब फ्रेंड्स से दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है अभी। तो कुछ ऐसा फैन लगा है, तो मैं एक ऊपर और तीन नीचे और लगाने वाला हूँ। तो इसका कुछ वायरिंग का है, तो वायरिंग इसको बैक करके, बैक का वायरिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे मैं आपको। तो इसको बैक वायरिंग होगा, बता रहा था आरजीबी फैन, तो कुछ ऐसा आरजीबी फैन है, तो इसको मैं वायरिंग करता हूँ। तो वायरिंग में कुछ मेरे को पहले पावर केबल लगाना पड़ेगा, तो पावर केबल जैसे हमारे पास ये है कुछ, तो इसका पावर केबल हब में लगाना है। तो इसका हब मैंने कुछ ऐसा सेट कर रखा था इसका, तो इसको फर्स्ट ये लगा देते हैं, और सेकंड ये लगा देते हैं, और थर्ड ये लगा देते हैं, और एक और फोर्थ कुछ एक ऐसा ये रहेगा। फोर्थ लगा चुके हैं, बचा हमारे पास दो फैन का, तो दो फैन का सेट है, तो एक ये सेट यहाँ लगा देंगे, और एक कुछ छोटा पड़ गया, तो छोटा के लिए इसको यहाँ पे लगा देंगे, और ये यहाँ लगा देंगे। तो हमारा टोटल फैन लग चुका है, हमारा टोटल फैन लग चुका है, बचा है ये कुछ ऐसा आरजीबी बचा है। तो आरजीबी कनेक्टर के लिए भी इसको हब लिया हूँ, तो हब हमारे कुछ ऐसा दो प्रकार का है, ये हमारा एक है कूलर मास्टर का, एक सिंपल है कोई भी लोकल। तो ये कूलर मास्टर वाला वो दिखाते हैं कैसे चलता है। इसके लिए पर हम एक कनेक्टर लेते हैं, जो कुछ एक वायर को लेंगे और कुछ एक हब से लगाएंगे। हब से लगाने के बाद कुछ एक ऐसा पिन बचेगा, तो कुछ एक ऐसा पिन होगा से एक से दूसरे पिन में जाएगा कुछ ऐसे, और उसके बाद ये फिर एक से दूसरे पिन में जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा वन बाइज वन सेट कर देते हैं इसको, तो ये वन बाइज वन सेट हो गया, और बचा कुछ लास्ट का एक, तो वो बस एक ऐसा ही शॉर्ट रह जाएगा, ये कहीं नहीं लगना है इसको। तो हमारा बस पूरा वायरिंग लग चुका है, तो आपको ऑन करके दिखाते हैं सिस्टम कैसा लाइट जलता है कैसा नहीं। तो आइए, तो कुछ ऐसा लाइटिंग आया है, लास्ट का नहीं जला, तो लास्ट का कुछ वायरिंग में डिस्टर्ब हो गया, वो देखते हैं अभी क्या होगा। तो कुछ ऐसा वायरिंग हुआ है, विंडो भी आ गया, तो कुछ ऐसा लाइटिंग आ रहा है कुछ ऐसा, तो लास्ट वाले क्यों नहीं जला उसका भी देखते हैं। तो आइए, लास्ट का ये रहा, ये लास्ट का ये छूट गया था, तो लास्ट का जो हमारे पास बचा था ये पिन, तो वो भी लास्ट का इसमें लगाते हैं, कैमरे को नीचे कर लेते हैं, और जो लास्ट का पिन बचा हुआ था ये, इसको भी हम इसमें लगा देते हैं। तो फाइनली लास्ट वाला भी चल गया होगा,
तो आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा सिस्टम। तो आपको अभी जैसे वीडियो में दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं ऐसे ही कुछ लाइटिंग हमने कुछ किए हैं। तो अब आगे के लिए वीडियो, जैसे भी पीसी बिल्ड करते हैं हम, तो जैसे जैसे पीसी नया नया वीडियो बनाएंगे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।